प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी स्तर पर कुशल मानव शक्ति के निर्माण के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद पूरा विश्व भारत की ओर आदर और सम्मान से देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने गरीबी के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और इसे जीत कर ही रहेंगे। इस लड़ाई में हर गरीब हमारा सैनिक है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा वर्कफोर्स हमारे पास है। इस योजना के बारे में पीएम ने कहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। एक बार मैंने बहुत छोटी उम्र में दादा धर्माधिकारी को मैं पढ़ता रहता था, आचार्य विनोबा भावे के साथी थे, गांधीयन थे और बड़े ही समर्पित गांधीयन थे, चिंतक थे। एक बढ़िया उन्होंने एक अपना प्रसंग लिखा है, कोई नौजवान उनके पास गया कि दादा कहीं नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए, तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या आता है, तो बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। तो कहा अरे भाई मैं तुझे पूछ रहा हूँ क्या आता है, अरे बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। अरे भाई तुम ग्रेजुएट हो मैंने सुन लिया, मुझे समझ आ गया तुम्हें आता क्या है। नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूँ मुझे कुछ काम तो मिले। उन्होंने कहा अरे भाई चल तुझे ड्राइविंग आता है क्या, तुम्हें बर्तन साफ करना आता है, तुम्हें रोटी पकाना आता है क्या, कपड़े धोना आता है, क्या आता है बताओ ना। तो नहीं कि बोले मैं तो ग्रेजुएट हूँ। दादा धर्माधिकारी जी ने बहुत बढ़िया ढंग से इस चीज़ को लिखा है, अपने स्वानुभव से लिखा है, और इसलिए आवश्यक है कि उसको जीवन जीने का भी कौशल्य इस हस्त कौशल्य से आता है। जो हाथ से वो कला सीखता है, ताकत आती है, उसे जीवन जीने का कौशल्य प्राप्त होता है, और उसको प्राप्त कराने की दिशा में हमारा एक प्रयास है। हम उसे एंटरप्रेन्योर भी बनाना चाहते हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।